अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश सुमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर फॉर यू डॉट पीके। गाइस, आज जो फोन हम आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहे हैं विच इज ROG 5, ये एक्सट्रीम गेमिंग फोन कहलाता है। ये आप कह दें कि ये किंग ऑफ गेमिंग फोन्स, जो इतने भी फोन्स हैं उनमें ये गेम के मामले में किंग है। और आप लोगों को पता ही होगा एसुस वालों का ब्रांड है, इसकी सीरीज पहले भी आ रही थी ROG 1, 2 एंड 3। अब ये रिसेंटली लॉन्च हुई ROG 5 और इसके में कुछ की फीचर्स हैं आपको बता दूं कि इसमें 888 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, 6000 mAh की बैटरी है, दो बैटरीज दी हैं 3000 mAh की बैटरी और कॉपर जैमर लगे हुए हैं बैटरी के साथ, ताकि जो है ना स्पीड से जब ये फ़ोन भागेगा प्रोसेसर तो हीटअप ना हो। और इसमें क्या लगा हुआ है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट 24 मेगापिक्सल कैमरा है और बेसिकली इसका जो डिज़ाइन, लुक और प्रोसेसर सब कुछ गेमर्स को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ ROG 5 और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन अंदर से लुक वाइज कैसा है। सो गाइज, ये इसकी जो बॉक्स की जो फील है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी फ़ोन से और लुक भी बिल्कुल डिफरेंट है। सो चलें अनबॉक्स करते हैं। जो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए एंटिक गैजेट्स और फोन्स लेकर आएंगे और आपको अंदर से बताएंगे ये कैसा है। सो गाइज, अनबॉक्स करते हैं। दिस इज़ ROG 5। इसके ऊपर जो है ये डिज़ाइन बना हुआ है और लुक, और यहाँ पर लिखा हुआ है ROG Phone 5। और जैसे ही इसको अनबॉक्स करते हैं तो इसका जो यहाँ पर अकीरा गेमिंग का एक प्रोमो और लोगो जो है ये आप देख लेते हैं, यह बॉक्स से ही पता चल रहा है कि डिज़ाइन फॉर द गेमिंग। और सबसे पहले ऊपर एक ब्लैक इन्होंने ये दिया हुआ है अपना कुछ, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, एक सिम इंजेक्टर टूल है। अच्छा, सिम इंजेक्टर टूल भी बिल्कुल बाकी कोई कॉमन सिम इंजेक्टर टूल नहीं है, ये बाकी से डिफरेंट सिम इंजेक्टर टूल जो है लग रहा है इसमें। सो सिम इंजेक्टर टूल ये देख लें, लुक आप ये सिम इंजेक्टर का लुक जो है ये बाकी जो है सिम इंजेक्टर टूल से डिफरेंट दिखेगा आपको, कि जैसे बाकी सिम इंजेक्टर टूल हैं वो ऐसे नहीं होते, इन्होंने लुक भी गेमिंग स्टाइल में बनाया है। और ये सिम इंजेक्टर टूल है और इसके अंदर जो है कुछ बुकलेट्स हैं और हाँ केस, इसका केस भाई, केस भी बिल्कुल एंटिक केस दिया है ना, इसको हम लगा के और आपको दिखाएंगे। सो बिल्कुल डिफरेंट केस है, इसको लगने के बाद आपको पता चलेगा क्या है। और ये फ़ोन है डिवाइस, इसको हम जो है डिवाइस को ऑफर बाद में अनरैप कर दें। और अंदर क्या दिया है इसमें, Type-C to C केबल है गाइस जो है ये, और चार्जिंग जो है इसमें, और चार्जर देखते हैं कौन सा दिया है। हाँ, चार्जिंग की बात करें तो 65 वॉट तक चार्जिंग सपोर्टेड है और ये चार्जर भी 65 वॉट का चार्जर दिया है, आप जो है 65 वॉट तक चार्जिंग करें। गाइस, इसका लुक और ये डिज़ाइन, ये जो फील आ रही है चीज़ों में बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा है बाकी फ़ोन्स मैंने आपके सामने अनबॉक्स किए हैं, लेकिन दिस फ़ोन एसरीज एंड बॉक्स एच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट और एक्सट्रीम लुक है इसका। और अब हम फोन अनरैप कर रहे हैं आपके सामने। सो गाइज, लुक, फर्स्ट लुक इसका, ये बैक लुक मैं आपको दिखाऊं, ये बैक लुक इसका डिजाइन। गाइज, ये फोन का लुक आपके सामने, पीछे लुक देखें, बिल्कुल डिफरेंट लुक है। और यहाँ से भी मैं आपको अपना दिखाऊं टॉप से। सो गाइज, ये जो पीछे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो पीछे डॉट्स हैं, ये RGB डॉट मैट्रिक्स की लाइट लगाई हुई है, जो कि आप डिफरेंट कलर से आप लगाते हैं। ये कैमरा का डिज़ाइन 64MP कैमरा है और एक 8MP और एक 5MP LED फ्लैश है। और इसके टॉप पर जो है वो डिज़ाइन और लुक की बात करें तो टॉप पे कुछ भी नहीं है, एक डॉट दिया हुआ है, मे बी वॉइस कैंसिलेशन का हो यहाँ पर जो है डॉट। और यहाँ इस साइड से जो है एक सिम ट्रे जो है वो ऑप्शन है सिम ट्रे का। सो सिम ट्रे निकाल के देखते हैं कि सिम ट्रे, अच्छा सिम ट्रे का जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सिम ट्रे है, देख रहे हैं आप सिम ट्रे, देखिए लुक इसका भी बिल्कुल डिफरेंट है। दो नैनो सिम लग सकती हैं इसमें, आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, आपको पता है प्रीमियर फोन्स में मोस्टली नहीं आता। और यहाँ से एक और टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पर एक टाइप सी का पोर्ट जहाँ पे आप जो है कूलिंग फैन इसका आता है ROG वालों का, वो आप लगा कर उसमें दो ट्रिगर्स भी आते हैं। और नीचे से
टाइप सी और 3.5 mm का जैक भी है भाई अपना, मीन्स प्रीमियर फोन्स में नहीं आ रहा आजकल, बट इन्होंने 3.5 mm का जैक दिया है। और यहाँ से पावर बटन और वॉल्यूम बटन और ये जो दो साइड से हैं, ये जो डिफरेंट आपको डिज़ाइन दिख रहा है, सो ये दो साइड जो है यहाँ पर ये एयर ट्रिगर्स हैं, जो कि पबजी लवर्स हैं वो ट्रिगर्स और 6 fingers से खेलते हैं, कोई 4 fingers से खेलते हैं, बट इसमें आप दो ट्रिगर्स हैं। जब कूलिंग फैन इनका जो आता है वो भी डिफरेंट जो है अपना आता है, उसमें भी दो ट्रिगर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊं। ये हमने जो अनबॉक्स किया है ये बेसिक वेरिएंट है, इनका एक एक्सट्रीम वेरिएंट भी आता है जो कि 16 GB और 256 GB में आता है। उसके बैक में भी एक स्क्रीन लगी हुई है, इसमें एक बैक स्क्रीन नहीं है, इन्होंने ऐसे ही प्लेन छोड़ा हुआ है। और ऑन करते हैं गाइज आपके लिए फ़ोन, ये फ़ोन ऑन हो जाए तो अब इसकी हम स्क्रीन की बात करें तो ये 6.7 इंच का डिस्प्ले है इसका और 144 रिफ्रेश रेट है, मींस जो इसके हर्ट्ज हैं वो 144 हर्ट्ज हैं, जो कि मोस्टली आपको जो फ़ोन्स पाकिस्तान में मिल रहे हैं उसमें 144 नहीं आ रहा, 120 तक आया है। और इसके हम जो है अपना गोरिल्ला ग्लास जो है विक्टिस, गोरिल्ला ग्लास 5 तक आपने देखा होगा बट इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टिस लगा हुआ है जो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन, मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा ही फ़ोन गिरता है तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा कि प्रोटेक्शन इसकी ज़्यादा हो। सो अब हम इसकी रेजोल्यूशन की बात की, अब हम इसकी ऑडियो की बात करें तो इसका साउंड, इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है और जो साउंड है आपको सराउंड होके मिलता है। और जो गेमिंग की, ये जैसे ही ऑन हुआ है इसकी बैकलाइट भी जल रही है, ब्लिंक हो रही है, ये आपके सामने जो है बैकलाइट, ये देखें कैसे ब्लिंक हो रही है। और मैं अगर लाइट्स ऑफ करके भी आपको इसकी बैकलाइट दिखाऊं तो वो मैं आपको देख सकते हैं कि बैकलाइट ऑफ करके कैसे लाइट ब्लिंक हो रही है। सो गाइज बात कर रहे थे स्पीकर्स की, तो आपको जो फुटप्रिंट्स हैं या फुट स्टेप्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं और जितने भी लोग आपके आसपास बैठे होंगे उनको साउंड इसका ऐसा है कि बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा और बहुत बेहतरीन साउंड है। ये आपके लिए मैंने कुछ प्ले किए, वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो 1080 तक आप वीडियोस की वॉच कर सकते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसका, जो कि अपना सैमसंग के टक्कर का डिस्प्ले जो है आप बोल सकते हैं कि वो उन्होंने डिस्प्ले लगा हुआ है विद 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। ठीक है गाइस, सो और इसका मैं आपको अगर केस लगा के भी दिखा दूं डिज़ाइन, गाइस ये आप देख लें इसका लुक और ये बैक लुक आफ्टर केस, ये देख लें और यहाँ से भी देख लें कितना डिफरेंट फील आ रहा है। अगर ये आप फ़ोन यूज़ करें और चार लोगों में बैठे हों तो बिल्कुल डिफरेंट ही लुक देगा, आपसे लोग पूछेंगे कि विच फ़ोन इज़ दिस और विच डिज़ाइन इज़ दिस। लुक्स वेरी एंटिक एंड गुड फील, इसका केस भी बहुत अच्छा फील दे रहा है। इसमें जो कैमरा है 8K तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैंने आपको बता दिया 64 MP है। फ्रंट जो है इसका 24 MP फ्रंट कैमरा है। और अब हम चल रहे हैं इसकी गेमिंग की तरफ, हम इसमें देखेंगे कि इसकी गेमिंग कैसी है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं गेमिंग देखने के लिए, जिसके लिए ये फ़ोन डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स प्ले द गेम इन दिस, और गेम के साथ आप साउंड भी चेक कर लें, क्वालिटी भी चेक कर लें। गाइस ये गेम खेल रहे हैं और ये मैंने ट्रिगर्स पे फायर का बटन रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। भाई देख रहे हैं कि बिल्कुल गेम लैग नहीं कर रही और ये मेरे ट्रिगर्स का कितना बेनिफिट ले रहा हूँ और ये ट्रिगर्स के साथ फायरिंग हो रही है। और यहाँ पर जो है, बिलीव मी, मैंने पबजी पहले खेली है लेकिन इस तरह का मज़ा और इस तरह की जो है गेम मुझे आज जो है मैं खेल रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फ़ोन, मे मीन्स के बताऊँ आपको कि आई एम रियली इंजॉइंग द गेम और कोई लैग नहीं हो रही और बिल्कुल भी जो है इसकी अपना स्पीड वगैरह। सो गाइज देख रहे हैं आप लोग और ये ट्रिगर्स बिल्कुल, आई एम एंजॉयिंग द गेम गाइज, आई एम एंजॉयिंग द गेम, रियली एंजॉयिंग द गेम। गाइज साउंड सुन रहे हैं आप लोग, अगर आपको साउंड आ रहा हो। सो गाइज दिस इज द गेम का मीन्स के समझ लें, मैं
अपना गेम्स मैंने खेलना छोड़ दिए, बट मैं गेमर रहा हूँ अपनी हिस्ट्री में। और आप देख रहे हैं गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही और स्मूथ चल रही है, और ये आपके सामने गेमिंग एक्सपीरियंस गाइस, ये लाइव हम आपको ये जो है अपना वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं चला के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेमिंग एंड फोन रॉक 5। और ये